तो दोस्त पीछे की वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं चॉइस ऑफ ए गुड फ्यूल। ओके, हमको अगर कोई सेलेक्ट करना है तो किस किस टाइप से हमको वो चुनना है। ओके, फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। ओके, और गुड फ्यूल देखो, करेक्टरिस्टिक हमको पहले कुछ, अगर हमको अच्छा फ्यूल बोलना है ना, उसके अंदर कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो पढ़नी है। देखो, सबसे पहले उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि वो छोटी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सके आफ्टर बर्निंग। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मलेस गैसेस। समझ गए, मतलब धुआं ना हो निकले और हार्मफुल गैसेस तो बिल्कुल भी ना निकले, जिससे कि मतलब एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। समझ गए, मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, पता चले कि आपके रूम टेम्परेचर पे वो अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई, जिससे कि मतलब उसको हम उस इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचाएं, ऐसे ना कि मतलब रूम टेम्परेचर वो अपने आप ही बर्न होने लगे। तीन पॉइंट हो चुके हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। समझ गए, सस्ता होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत मुश्किल से मिल रहा है, वो आसानी से मिले और सस्ता हो वो अच्छा फ्यूल बोला जाएगा, जो ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज अभी तक एग्जिस्ट कराएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। तीन वर्ड हैं देखो, इजी टू हैंडल मतलब ऐसा ना कि उनको साथ साथ रखने में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और साथ सेफ टू ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, ऐसा ना कि मतलब उससे कुछ दुर्घटना हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है कन्वीनियंट टू स्टोर। ओके, मतलब अगर हम उसको सपोज करो एक रखने लगे इकट्ठा करके कहीं पे, तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ जाए। समझ गए। सिक्स पॉइंट आता है इट शुड नॉट लीव मच एस बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। सिक्स पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, उसका सिक्स पॉइंट बोलता है कि वो जब बर्न होकर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में उसकी जो राख बचती है ना, वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में नहीं बचनी चाहिए, वो मिनिमम एज पॉसिबल, मतलब जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, तो सेवन पॉइंट है इट शुड बर्न स्मूथली, और ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब रुक रुक के बर्न हो रहा है, कि पहले एक साथ से ज़्यादा जला, फिर थोड़ा कम जलने लगा, फिर दोबारा ज़्यादा जलने लगा, फिर दोबारा कम हो गया, ऐसे नहीं, मतलब एक स्मूथ मैनर में बर्न होना चाहिए। ओके, तो देखो ये जो अभी तक हमने सात पॉइंट डिस्कस करे हैं, इनको नोट कर लेना और माइंड में रखना है। तो अगर हम किसी फ्यूल को अच्छा बोलेंगे तो हम इन सब प्रॉपर्टीज को ही देख के, मतलब करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे। अगर इसको ध्यान से समझने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको नोट करना, और देखो इसमें सारी चीज बिल्कुल ध्यान से, मतलब सेम टू सेम यही बोला। देखो, फ्रॉम अवर डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वेरियस फैक्टर विच शुड बी कीप इन माइंड। ओके, चूजिंग ए प्रॉपर फ्यूल फॉर होम्स एंड फैक्ट्रीज आर, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एब्सेंस ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस। ओके, मतलब पॉल्यूशन कॉज ना कर रहा हो हमारे एनवायरमेंट में, और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी रूम टेम्परेचर या काफ़ी लो टेम्परेचर पे वो अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाए। लो कॉस्ट एंड ईजी टू ईजिली अवेलेबल, समझ गए, चीप होना चाहिए। फिर आता है ईजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग आसानी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सेफ होनी चाहिए, और स्टोरेज मतलब जैसे पेट्रोल का एग्जांपल था, बताया था ना मैंने, वोलेटाइल नेचर होता है पेट्रोल, अगर आप स्टोर करके रख रहे हो और पता चले आपको थोड़ा सा वो टाइट नहीं हुआ, थोड़ा सा लूज रह गया, तो क्या होगा, वो वोलेटाइल नेचर का है, वो उड़ के चला जाएगा अपने आप एनवायरमेंट में, तो उससे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज करो एलपीजी को, आप कहते हैं ना कि घरों में गैस का सिलेंडर है दोस्त, अगर लीक हो गया तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम कितने बड़े आयरन के सिलेंडर में रखते हैं। समझ गए, देखो 29 kg का तो एलपीजी सिलेंडर होता है, और उसमें अराउंड 14 to 15 किलोग्राम सिर्फ उस आयरन सिलेंडर का वेट है। समझ गए, उसकी मतलब हैंडलिंग कितनी, स्टोरेज मतलब कितनी वो है, हाईली मतलब कॉस्ट इनपुट है, कि हमको इतने से वो हैंडल करने के लिए एक आयरन सिलेंडर जिसकी वेट 15 किलोग्राम है। समझ गए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एन मॉडरेट रेट ऑफ कंजप्शन, और ऐसा हो कि मतलब एक प्रॉपर मैनर में स्मूथली बर्न हो, जो सात पॉइंट था। ठीक है, तो मॉडरेट रेट ऑफ कंबसन, इसको ये बोलते हैं कि ना तो वो एक साथ से ज़्यादा जल जाए और ना वो एक साथ बहुत कम जले। समझ गए, प्रॉपर मैनर में प्रॉपर स्मूथली रेट पे बर्न होना चाहिए। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देख के हम बोल देंगे
कि ये एक गुड करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ गुड फ्यूल। ओके, अब देखो एक एग्जांपल है, देखो इसमें बहुत ध्यान से सुनना वो मैं क्या बताऊंगा। ओके, अब देखो इस एग्जांपल में ध्यान से सुनो, देखो मैं आपको एक विजुलाइज कराऊंगा, ध्यान से समझना। देखो दो फ्यूल्स है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ओके, इस ए की जो कैलोरीफिक वैल्यू ना वो है 55 किलो जूल पर ग्राम, समझ गए, 55 किलो जूल पर ग्राम। और उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, जो मतलब आसपास रूम के होता है, ठीक है। फिर एक बी फ्यूल है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल पर ग्राम। ओके, लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है। देखो ध्यान से सुनो, इसका 55 था, इसका 50 है, इसका इग्निशन टेम्परेचर 20 था, इसका इग्निशन टेम्परेचर 80 था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोस्त बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा गुड फ्यूल है, समझ गए। तो देखो अब ये चीज ध्यान में रखो कि बेशक उसमें कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार कैलोरीफिक वैल्यू तो काफी ज्यादा है, 50 से, तो 50 से जगह 55 मिल रही है, तो ये वाला अच्छा होगा। लेकिन एक चीज अपने माइंड में ध्यान से देखो क्या होगा, इसकी इग्निशन टेम्परेचर कितना है, समझ गए, 20 डिग्री सेल्सियस। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जैसे ही रूम टेम्परेचर पाएगा वो अपने आप ही बर्न हो जाएगा। तो हमको भाई ऐसा फ्यूल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर हम वर्क करने लग रहे हैं, कुछ उसको बर्न करने के सोच रहे थे वो अपने आप ही बर्न हो गया और पता चली कुछ इंजरी ना हो जाए, मतलब जो बंदा ही उसको यूज कर रहा है। तो देखो दूसरा जो फ्यूल है ना उसकी 50 किलो जूल बेशक थोड़ी कम है, लेकिन उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है ना वो काफी ज्यादा हाई है, 80 डिग्री सेल्सियस है। मतलब रूम का टेम्परेचर तो 80 डिग्री मुझे तो लगता नहीं है, हो ही नहीं सकता इतना ज्यादा, तो समझ गया। उसको बर्न करने के लिए हमको पहले 80 डिग्री सेल्सियस पे उस फ्यूल को ले जाना होगा, मिनिमम टेम्परेचर है, समझ गए, उतने की तो नीड है ही है, उसके बाद में जलना स्टार्ट होगा वो। तो समझ गए हमको गुड चॉइस की कैसे सिलेक्शन कर, गुड फ्यूल का कैसे सिलेक्शन करना है। पहले हमको ऑब्जर्व करना है कि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, लेकिन साथ साथ माइंड में ये भी चीज रखनी चाहिए हमको कि दोस्त उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है। अगर इग्निशन टेम्परेचर काफी लो हुआ तो भी प्रॉब्लम, समझ गए, क्योंकि वो अपने आप ही बर्न होने लगेगा। सपोज करो ये रूम टेम्परेचर से और भी नीचे होता तो भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो तो समझ गया मिनिमम टेम्परेचर है, उससे तो पहले ही बर्न हो चुका होगा वो मिनिमम पे। नेक्स्ट ऐसी एग्जांपल देखो कितना अच्छा दे रखा है, ध्यान से सुनना इसको भी। देखो एक ए नाम का फ्यूल है, एक है बी नाम का फ्यूल। देखो अगर हम ए को बर्न करते हैं तो उसमें 5 गैसेस निकलती हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब समझ गए 5 गैसेज हैं इसमें जो उसको बर्न करने के बाद रिलीज होंगी। ऐसी सेकेंड है बी फ्यूल, जिसको बर्न करने पे एक तो CO2 निकलेगी वहां पे, और ऐसे ही सेम टू सेम वहां पे वाटर वेपर्स निकलेंगे, लेंगे समझ गए। इसमें 2 गैसेस निकल रही हैं और इसमें सिर्फ 1 5 सॉरी ए में 5 इसमें 2। अब देखो अब इनमें से पूछना है कि दोस्त इनमें से कौन सा अच्छा वो है कैलोरी मतलब अच्छा गुड फ्यूल, तो हमको क्या सोचना है यहाँ पे, ये चीज देखो इन 5 में से हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक SO3 है, तो ये जो है ये हमारे एनवायरमेंट में काफी प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक है। साथ साथ अगर हम बी को कंपैरिजन में करें तो यहाँ पे बी में सिर्फ एक गैस है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, इनके कंपैरिजन में तो फिर भी काफी कम है, लेकिन सिर्फ एक है उसमें जो ऐसा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, क्या बोलते हैं, बी वाला फ्यूल। ओके, फिर इसमें देखो एक बहुत अच्छी लाइन मिली है मेरे को, वो चीज नोट करना। इफ ए फ्यूल बर्न्स विद एन एक्सप्लोजन, समझ गए, एक्सप्लोजन का मतलब एक धमाके के साथ अगर कोई फ्यूल बर्न होता है ना, इट विल नॉट बी ए गुड फ्यूल, कभी वो अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता। इफ इट लिव्स बिहाइंड ए लॉट ऑफ एश ऑन बर्निंग, समझ गए, अगर वो जैसे एक साथ धमाके के साथ हुआ है तो उसमें सीसी वाला एनवायरमेंट में काफी ज्यादा अमाउंट में, हिंदी में बोलते हैं उसको एस को राख, ओके, अगर वो राख रिलीज करेगा देन इट कैन नॉट बी ए गुड फ्यूल, समझ गए। इस लाइन को यहां से यहां तक ध्यान रखना, इफ से लेके और गुड फ्यूल तक, समझ गए ना इसका, तो अभी तक मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन दे दिया है। अब देखो एक आपने वर्ड सुना होगा CNG, ज्यादातर कारों में यूज होती है, देखो ये गैस, इसकी पहले फुल फॉर्म सुनो, देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है, ओके। तो देखो इसको बर्न होने पे ना सबसे पहली अच्छी बात बताता हूँ, इसमें वाटर वेपर्स निकलती हैं, और वाटर वेपर्स जो है ना वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, बिकॉज ये तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है एक तरीके से, मतलब जो बारिश में, बारिश भी तो वाटर वेपर ही होती है पहले,
और देखो नेचुरल गैस हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू हीट हाई हीट वैल्यू एंड इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस. सो नेचुरल गैस इज ए गुड फ्यूल. समझ गए कहने का मतलब क्या है कि ये हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता नेचुरल गैस. आप देख भी रहे हो, देखो जब ये बर्न हो रहा है, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ के आसपास कोई स्मोक तो निकल ही नहीं रहा. समझ गए ना कहने का मतलब, यहाँ पे क्या निकल रहा होगा बर्निंग के बाद में वाटर वेपर्स. और हमको ऐसा ही तो फ्यूल चाहिए होता है, मतलब जितना ज्यादा अच्छा हो कि हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम ना करे और क्या बोलते हैं हार्मफुल गैसेस तो बिल्कुल भी रिलीज ना करे. समझ गए ना सीएनजी का फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करी जाती है आजकल जो नई कार डेवलप हो रही है उनमें. ठीक है, अब देखो इसके बाद में तो सीधी सीधी बात है, इसके बाद में टेक्नोलॉजी आ जाएंगी इलेक्ट्रिक कार की. आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हो बिकॉज यार एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आने वाली जो कारें होंगी वो किस चीज़ से बनी हुई होंगी, मतलब किस चीज़ से ऑपरेट होंगी. वो सबसे पहला हाइड्रोजन गैस, फिर इलेक्ट्रिक कार तो बन चुकी हैं, जैसे टेस्ला गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया था आई थिंक पिछले चैप्टर में दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट में. ठीक है, अगर किसी ने ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देखो, मैंने काफ़ी प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है इन दोनों चैप्टर्स का. ओके, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मुझे उम्मीद है यार अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना साथ साथ आप आंसर दे सकते हो. देखो नेम ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अदर देन फ्यूल. समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो. सेकंड क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू, वही अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ग्राम हम फ्यूल को बर्न करेंगे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा उन दोनों के रेशो को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. फिर थर्ड है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कुकिंग गैस इज 50 ग्राम. व्हाट डज इट मीन, देखो कितना सिंपल है, मतलब पहले आंसर नीचे वाले में आंसर छुपा रखा है दूसरे वाले पहले वाले क्वेश्चन का. देखो 50 किलो जूल पर ग्राम, तो एक ग्राम को बर्न करने पे एलपीजी को 50 किलो जूल हमको एनर्जी ऑप्टेन होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर हीट पर यूनिट मास ऑन बर्निंग, एलपीजी और कोल. सीधी सीधी बात है एलपीजी. समझ गए, अब फिफ्थ है डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर. कितना आसान क्वेश्चन है, जो मैंने हाईलाइट कराता हूँ ना दोस्त इसलिए कराता हूँ, देखो अपने आप में क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, सिक्स पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल इज 80 डिग्री. व्हाट इज मीन, समझ गए, मिनिमम ये मिनिमम टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस से पहले उसमें कभी भी बर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती. समझ गए ना मेरे कहने का मतलब, 80 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर पहुंचाना ही होगा अगर उसको बर्न करना है फ्यूल को. और ठीक है, मेरा उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि मैं मतलब अभी तक सारे टॉपिक्स को यहाँ पे ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ डेफिनेशन की सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लो. द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फेमिलियर टू द मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब ज्यादातर लोग इनको जानते हैं, आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ गए, और पहले से जानते हैं. ये मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वर्ड आते हैं इनको कैसे यूज करना है अपने आप. समझ गए ना, अपने आप अगर किसी कोई भूल जाए बंदा. देखो द मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल्स का अगर आपको नहीं अभी तक पता चला हो तो देखो मैं एक हिंट देता हूँ. देखो पहले आपने कभी सुना होगा ये डायनासोर्स और ये मतलब काफी ज्यादा स्पीसीज रहती थी अर्थ पे. तो एक बार क्या हुआ था, मतलब मिट्टी और गिरा था तो उसकी वजह से ये मतलब जमीन के अंदर दब गए थे. तो ऐसे मतलब कुछ स्टोरीज है ना, तो इस चीज से आपको क्या समझना है, फॉसिल फ्यूल जो है जब ये नीचे दबे, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर. समझ गए, प्रेशर एक तो अर्थ का इतना ज्यादा, तो उन पे क्या हुआ, उन पे एक रिएक्शन स्टार्ट हुई. ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था. अब हाइड्रोकार्बन में यही होते हैं, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन इथेन. समझ गए ना, ये मतलब सारी की सारी गैसेज और लिक्विड वगैरह जो भी है मतलब उस हाई प्रेशर पे बनना स्टार्ट हो गए. तो उन ये जो है फॉसिल फ्यूल्स, मतलब उन फॉसिल के दबने की वजह से जो फ्यूल्स का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. और वो क्या क्या है, एक तो कोल है. समझ गए, कोल जो जैसे पेड़ जमीन के नीचे दब गया तो वो बहुत टाइम के बाद अपने आप ही कोल बन जाएगा. ठीक है, ऐसी पेट्रोलियम है, ये जानवरों के दबने से बना था, सेम एज इट इज नेचुरल गैस. समझ गए, तो फिर इसके बाद में कन्वेंशनल सोर्स को मैंने बता दिया यहाँ पे, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ और कन्वेंशनल फ्यूल्स. ये वर्ड है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा डाल देगा कन्वेंशनल फ्यूल्स को वर्ड को, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए इस वर्ड को भी याद रखना. ठीक है, इवन डंग केक्स मतलब उपले इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री. समझ गए, क्योंकि बाहर तो बेसिक ना यूज होते हो लेकिन हमारे देश में ये पहले से चलते आ रहे हैं, उपले को जला के मतलब हीट एनर्जी को हम पहले से यूज कर रहे हैं.
इसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं अपने इंडिया के अंदर की बात चल रही है अभी, देखना कि यार जो हवा चलती है ना और ये मतलब पानी जो फ्लो होता है रिवर्स में, तो इंडिया के अंदर लोग इनको पहले से यूज करते आ रहे हैं। देखो जो वाटर होता है, सपोज करो एक इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जब फ्लो हो रहा है तो वहां पे हमको क्या करना होगा, सिंपली एक टर्बाइन टाइप का कुछ कनेक्ट करना होगा जिससे कि वो पानी के साथ साथ रोटेट होना स्टार्ट हो जाए, समझ गए। पानी का फ्लो इधर से वहां पे ऐसे रख दिया, तो जैसे जैसे पानी फ्लो होगा उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा उसके ब्लेड्स पे, और वो सीधी सीधी बात है शाफ्ट के अराउंड रोटेट स्टार्ट करना कर देगा। ओके, देखो जहां पे रोटेशन मिल गया, जहां पे भी रोटेशन वर्ड आ जाए ना दोस्त, बार बार इसको मैं फोर्स करता आ रहा हूँ पिछले दो चैप्टर से, याद रखना उस रोटेशन की हेल्प से हम उसमें किसी भी डायनेमो को कनेक्ट करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं, समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो वाटर जब फ्लो हो रहा है उससे आपने ब्लेड ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे शाफ्ट के अराउंड उसमें रोटेशन मिल गया, उस रोटेशन से हम सीधी सीधी बात है जनरेटर को कनेक्ट करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ऐसे ही वाटर मील वाला, विंड मील वाला केस है जहां पे हवा चल रही है काफी ज्यादा हाई स्पीड पे। अब स्पीड की कंडीशन है कि 15 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा स्पीड चाहिए हवा की अगर हमको ऐसा कुछ विंड मील जैसा पर्पज वहां पे ऑब्टेन करना है। याद रखना इस वर्ड को, 15 किलोमीटर पर आवर यूनिट का करना, किलोमीटर पर आवर बोल रहा हूँ मैं, मतलब 15 की स्पीड से ज्यादा ही चाहिए हमको हवा की अगर आपको विंड मिल जैसी चीज कुछ ऑपरेट करनी है। तो देखो विंड में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं ब्लेड्स उसके, उस पर जब हवा का प्रेशर अप्लाई होता है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो जब ज्यादा बड़ा है तो सीधी सीधी बात है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी वहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड पे हवा चलती है ना हमारे इंडिया में, तो ऐसे मतलब जहाँ पे जैसे सपोज करो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे तो इतनी स्पीड पे चलती नहीं है हवा, लेकिन बहुत सी जगह समुद्र के आसपास ऐसी होती है जहाँ पे काफी ज्यादा हाई स्पीड पे वेव समझ गए ना मतलब हवा चलती है, तो हम वहां पे उनको ऑपरेट करते हैं। ओके, तो इन सब चीजों को अभी जो मैंने ये बोला है, मैंने वाटर और विंड केस को समझने का पर्पज, मैंने बोलने का पर्पज क्या हुआ मेरा, ये इसलिए क्योंकि यार ये दोस्त पहले यूज नहीं करते थे हम इंडिया में, बहुत मतलब बहुत पहले जब ये उपले उपले का सीन चल रहा था, लेकिन अब जो है अब इनको यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो देखो ट्रेडिशनल वाला क्या था, मतलब कन्वेंशनल वाला जो पुराने लोग पहले यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो है एडवांस मेथड है थोड़ा, समझ गए, मतलब हवा से भी हम अब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से भी कर रहे हैं, तो ये जो है ये किस में आएंगे, ये नए मेथड में आएंगे, तो इसको बोलते हैं हम इन सबको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वर्ड याद रखना ठीक है। एंड फॉसिल फ्यूल को डिस्कस कर चुके थे जिससे कि मतलब लकड़ी, ये बड़े वाले पेड़, छोटी वाली घास वास जो है, और ये एनिमल्स जो थे जब मतलब समझ गए मिट्टी आके टकराया था अर्थ से तो ये नीचे दब गए थे, उसकी वजह से हमको अभी तक ये फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं। तो देखो इसमें कुछ एक जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा हाईलाइट करूंगा और उसको ध्यान से देखना कि बना कैसे था। देखो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस वर्ड को ना एब्सेंस को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना क्यों। देखो एक चीज़ बताओ, जब ये दबे थे अगर वहाँ पे जो चीज़ दबी है उसको अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। अगर कोई फ्यूल ऑक्सीडाइज हो गया तो भाई पता चलेगा आपको खुद को वे खुद ही बर्न होने लगे अंदर ही अंदर, वे बनने वाले थे वो खुद ही बर्न हो गए अपने आप ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, और बने रियल समझ गए ना, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी वहां पे, एब्सेंस था वहां पे, इसलिए वो बन पाए। केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो जब किसी चीज पर हाई प्रेशर अप्लाई होता है तो सीधी सीधी बात है उसमें केमिकल इफेक्ट में काफी ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। फिर होता है हीट एंड बैक्टीरिया, और वहां पे कुछ न कुछ जैसे सड़ा होगा कुछ ना कुछ, मतलब जैसे एनिमल्स हैं वो दबे दबे बहुत टाइम के लिए वहां पे अंदर है तो वहां पे बैक्टीरिया एक्शन भी हुआ होगा, और हीट तो सीधी सीधी बात है जियोथर्मल एनर्जी आ गई होगी या जो भी है, मतलब क्या मतलब हीट भी वहां पे मिल पाई हमको और बैक्टीरिया का भी एक्शन हुआ और प्रेशर भी वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में अप्लाई हुआ और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रहा। तो इन सब के मतलब कॉम्बिनेशन की वजह से हमको अभी तक फ्यूल मतलब उस टाइम पे फ्यूल बन गए थे जिनको हम अभी तक यूज कर रहे हैं, समझे। अब देखो ये जो कोयला होता है ना, ए पीस ऑफ कोल शोइंग एज ए फॉसिल लीफ, देखो एक कोयले पे हमने ऑब्जर्व किया कि एक पत्ती का, ये जो पेड़ होता है ना इसका जो पत्ती है कोई, उसका पैटर्न छपा हुआ है, तो इसी से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ध्यान से सुनो, कोयले के ऊपर एक इंप्रेशन बना हुआ है पत्ती की शेप का, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे पत्ती भी थी तो उस पत्ती की हेल्प से ही बना होगा, अंदाजा लगा रहे हो ना। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो अब कोयले वगैरह जो भी बने हैं ये सब ये नेचुरल चीज जो नीचे प्रेस हुई थी
और ये कंडीशन थी यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर और हीट एंड बैक्टीरिया, ये चार पांच सिचुएशंस थी जिनकी वजह से ये बन पाए। ओके, अगर इनमें से एक दो भी चीज गड़बड़ हो जाती तो बिल्कुल नहीं बनते अर्थ के ऊपर। फिर इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो बड़े वाले अब पूछ लेता है कि कोयला किस चीज से बना है, पेट्रोलियम जो बना है ये किस चीज से बना है, और जो इन दो मतलब दो तीन चीजें हैं कैसे कैसे। देखो सबसे पहले सुनो कि कोयला किस चीज से बना है। देखो जो बड़ा पेड़ है ना, बड़ा वाला पोर्शन जो होता है पेड़ का, तो इस चीज के दबने से तो कोयला बना था। ओके, और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, ये कन्वर्ट हो गए थे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। इनको याद रखना बस, समझे, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से कि लार्ज प्लांट के दबने से क्या बना, कोयल। ओके, कोल, और अगर स्मॉल प्लांट वे दबे और एनिमल जो थे उनके दबने से क्या बना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, समझ गए, अल्टीमेट मतलब ये जो सन है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में कंटेन करके रखता है फॉसिल फ्यूल्स को। ओके, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो लिंकिंग करूंगा मैं कुछ तीन चार चीजों को, और उनको लिंक को जो कनेक्शन है उनको समझना है बस आपको इस पॉइंट में। देखो एक चीज बताओ, आपने अभी पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल्स अर्थ के ऊपर हैं, मैं बोल रहा हूँ अर्थ के ऊपर हैं, वो जो बने हैं वो किस चीज से बने हैं कि एनिमल्स प्लांट्स और मतलब ये चीज जब ब्रीड हुई है मतलब अर्थ के अंदर मतलब दबी है तब जाके ये बन पाए हैं। तो अब एक चीज अपने आप प्रिडिक्ट करो दोस्त कि ये जो सनलाइट है इसकी एनर्जी से इसका क्या कनेक्शन है अर्थ पे जो फ्यूल बना था। देखो एक चीज बताओ, आप कह सकते हो कि यार प्लांट जो है जब वो ग्रो होता है, प्लांट जब ग्रो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सनलाइट से। तो सनलाइट अगर ना होती तो सीधी सीधी बात है वो प्लांट ही नहीं बन पाता, और अगर प्लांट नहीं बन पाता तो वो दबने के बाद तो वो बन, ऑब्वियस सी बात है ना, तो कुछ चीज दबती और ना कुछ चीज आज बनी हुई होती फॉसिल फ्यूल मतलब। तो इस चीज से आप एक लिंक निकालो कि अर्थ जो है, अर्थ इस पे प्लांट ग्रो हुआ था वो किसकी हेल्प से हुआ था, वो अर्थ जो सूरज है उसकी सनलाइट की हेल्प से हुआ था। अब उसी की हेल्प से तो हाइड्रो मतलब कार्बन साइकिल कंप्लीट होती है। देखो वो पेड़ दबा और पेड़ दबने से पहले क्या, वो पहले ग्रो हुआ, तो ग्रो किसकी हेल्प से हुआ, सन से। अब आपके कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा, अरे चलो ठीक है पेड़ का तो मान लिया, लेकिन एनिमल के लिए थोड़ी ना ये जरूरत होती है। अब देख दोस्त एक चीज समझियो, सपोज कर कोई एनिमल है जो बकरी को खाता है, ठीक है बकरी को खाता है मैंने बोला है, अब बकरी जो है वो क्या खाती है, वो घास खाती है, तो बकरी की एनर्जी तो उस एनिमल के अंदर जाने वाली है, लेकिन बकरी को मतलब बड़ा होने के लिए कहाँ से एनर्जी आई, वो तो घास खा के आई ना, और घास किस चीज से बनी थी, और ये मतलब पेड़ किस चीज से बने थे, ये तो सनलाइट से। तो समझ गए मतलब सनलाइट की ही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, समझ गए ना कहने मतलब। द फॉसिल फ्यूल, अब एक लाइन है इसको इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनो, इट वॉज द सनलाइट ऑफ लॉन्ग एगो दैट मेड प्लांट ग्रो, समझ गए, जिसकी वजह से इतने मतलब लंबे टाइम की वजह से प्लांट ग्रो हुए थे, विच वर देन कन्वर्टेड इन टू फॉसिल फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर चुका हूँ। फिर आता है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, फॉसिल फ्यूल आर एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ गए, फॉसिल फ्यूल जो होता है उनमें काफी हाई एनर्जी रिच सोर्स है, समझ गए, कंपाउंड, और वो कंपाउंड ऑफ कार्बन, समझ गए, जहां पे कार्बन जैसी चीज आती है ना वहां पे सीधी सीधी बात समझ लेना कि दोस्त वो एनर्जी में तो रिच होंगे ही होंगे, समझ गए, और उसको बर्न पे बर्न करने के बाद हम काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। विच आर ओरिजिनली मेड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी, समझ गए, सोलर एनर्जी, सनलाइट आई, पेड़ ग्रो हुआ, पेड़ दबा, उसके बाद प्रेशर अप्लाई हुआ अर्थ का, उसके बाद में वो फॉसिल फ्यूल जो बन गए, ऐसी सेम एज इट इज प्लांट, प्लांट के बाद में सॉरी एनिमल, एनिमल जो है वो दबा था, लेकिन एनिमल को बड़ा होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, सपोज करो अगर कोई ये है कोई मतलब मांसाहारी, तो वो सबसे पहले बकरी को खाएगा, लेकिन बकरी जब बड़ी हुई है मतलब वो खाने लायक बनी है उस शेर के लिए या कोई भी एनिमल है, तो उसको ग्रो होने के लिए तो पेड़ की जरूरत पड़ी थी ना, वो तो घास खाता था कहीं ना कहीं, तो समझ गए ना कहने का मतलब, ये सारी चीज डिपेंड कर रही थी सनलाइट के ऊपर, अगर सनलाइट ना होती तो ना तो ये मतलब पेड़ पैदा होते और ना ही कोई ये एनिमल वगैरह होते इस अर्थ के ऊपर, तो सनलाइट का एक काफी बड़ा मेजर फैक्टर होता है यहाँ पे। इसके बाद में देखो जो फॉसिल फ्यूल बने हैं
वो मतलब तीन टाइप के यहाँ पे शो कर रखे हैं आपकी बुक के अंदर, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे हम, देखो यहाँ पे आगे आने वाले टॉपिक्स में सबसे पहले कोल ले रखा है, फिर पेट्रोलियम ले रखा है, और फिर ये पेट्रोलियम गैस ले रखे हैं, जो मतलब एलपीजी वगैरह में सिलेंडर में भरी जाती है। तो दोस्त इस वीडियो को चलो यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिक्स को, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आने वाली जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टाइम के साथ साथ डालता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।